जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह रात के आसमान में एक चमकदार तारे की तरह दिखाई देता है, मगर ये जुपिटर कोई तारा नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का एक ग्रह है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, यह इतना बड़ा है कि सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों से दो गुना अधिक मास रखता है। यह इतना विशाल है कि ब्रह्मांड से आने वाले उल्कापिंड जो हमारी धरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह उन उल्कापिंडों को रोक लेता है। शायद इसी वजह से इसे हमारी धरती का बड़ा भाई भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जुपिटर के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे सेट कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम के उन चार गैसी जायंट में शामिल है जो सोलर सिस्टम के आउटर प्लेनेट हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर भी हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही बना था। आज से तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पूर्व जुपिटर का जन्म हुआ था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सूर्य के बाद सबसे पहले जुपिटर ने ही बनना शुरू किया था। शायद इसी वजह से जुपिटर का आकार बेहद बड़ा है, क्योंकि सोलर सिस्टम का निर्माण होते वक्त जुपिटर ने अधिकांश मैटर अपने में समा लिया, इसीलिए जुपिटर बेहद विशाल बन गया। यह इतना विशाल है कि इसे एक फेल्ड स्टार भी कहा जाता है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में पांचवें स्थान पर आता है, और वहीं जुपिटर सूर्य से 70,80,00,000 किलोमीटर की दूरी पर रहकर सूर्य की परिक्रमा करता है, और वहीं जुपिटर हमारी धरती से 59,00,00,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य के प्रकाश को जुपिटर की सतह तक पहुंचने में 43 मिनट का समय लगता है। जुपिटर सूर्य से बेहद अधिक दूर होने के कारण ही यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 4,343 पृथ्वी दिनों का वक्त लेता है। अगर इसे वर्षों में बदलें तो यह 12 वर्ष होती है, जिसे जोबियन ईयर भी कहा जाता है, और इसके घूमने की स्पीड 43,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वहीं जुपिटर अपनी धुरी पर 2,575 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्पिन करता है, इसीलिए जुपिटर पर एक दिन मात्र 10 घंटे का होता है, जिसे एक जोबियन डे कहा जाता है। जुपिटर एक गैस जायंट है, साथ ही इसका आकार बेहद विशाल है। इसकी विशालता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम किसी तराजू पे जुपिटर और सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों को तोल सकें तो जुपिटर उनसे 2.5 गुना अधिक भारी होगा। जुपिटर एक गैस जायंट होने की वजह से इसके पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इसकी सतह पर धूल और गैस के बेहद विशाल तूफान चल रहे हैं। इन बादलों में अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O यानी कि वाटर वेपर भी पाया गया है। ये जो लाल सफेद धारियां दिख रही हैं, ये गैस और धूल के बादल हैं, जो जुपिटर की सतह पर चल रहे बेहद तेज हवाओं के साथ बहते रहते हैं। इन हवाओं की स्पीड बेहद अधिक होती है। इन तूफानों को जेट कहा जाता है। और जुपिटर की सतह पर एक रेड स्पॉट भी है। ये रेड स्पॉट धूल और गैस से मिलकर बना है। साइंटिस्टों द्वारा बताया जाता है कि ये धूल का तूफान तकरीबन 300 से 400 वर्ष पूर्व से लगातार चल रहा है, और इन हवाओं की स्पीड 400 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहती है। दोस्तों, जुपिटर का अंदरूनी हिस्सा कुल 5 भागों में बटा हुआ है। सबसे बाहरी सतह धूल और गैस से बनी है। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इससे भी आगे जाने पर हमें लिक्विड हाइड्रोजन देखने को मिलती है, और आगे जाने पर मेटेलिक हाइड्रोजन से बनी हुई सरफेस दिखाई देती है, जो एक तरल अवस्था में रहती है, जिसका तापमान 9,700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर हम जुपिटर की तरल कोर को पार करें तो हमें देखने को मिलती है सॉलिड कोर। जुपिटर का कोर बेहद अधिक गर्म है,
इसका तापमान 35,700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसका कोर रॉक एंड आइस से मिलकर बना हुआ है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड भी बेहद जबरदस्त है, साथ ही इसका गुरुत्वाकर्षण भी काफी बड़ा है। तभी तो जुपिटर ब्रह्मांड से आने वाले उल्कापिंडों को अपनी ओर खींच लेता है और हमारी धरती इन उल्कापिंडों के टकराव से बच जाती है। दोस्तों, जुपिटर के पास कुल 79 मून्स हैं। गैनीमेड, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, ये जुपिटर के मुख्य चांद हैं, जिनकी सरफेस लिक्विड वाटर से बनी हुई है, जहां हम इंसान जीवन ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोस्तों, जुपिटर के चांदों पे जीवन की संभावना है या नहीं, ये तो भविष्य में इन चांदों पे होने वाले मिशनों द्वारा ही पता चल पाएगा। दोस्तों, हम इंसानों ने जुपिटर पे अभी तक कई अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जिनकी बदौलत ही हम जुपिटर के बारे में इतनी जानकारी प्रदान कर पाए हैं। 1970 में पायनियर 10, पायनियर 11, वोयजर 1 और वोयजर 2 ने जुपिटर के लिए उड़ान भरी और उसके बाद गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट इस गैस जायंट की खोज के लिए निकला था। इसी तरह कैसिनी और न्यू होराइजन ने भी जुपिटर की काफ़ी बेहतरीन तस्वीरें भेजी थी और उसके बाद आया जूनो। इसे जुपिटर पे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य था जुपिटर पे पानी की खोज करना, साथ ही कंपोजिशन, टेम्परेचर और क्लाउड मोशन को मेजर करना और मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी फील्ड के साथ प्लेनेट की डीप इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल हासिल करना था। दोस्तों, भविष्य में भी जुपिटर के चांदों पे कई मिशन होने वाले हैं, जैसे यूरोपा क्लीपर, जुपिटर कैलिस्टो ऑर्बिटर और जुपिटर सिस्टम ऑब्जर्वर। ये वो मिशन हैं जो जुपिटर के साथ साथ उनके मून्स की भी काफी बेहतरीन जानकारी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए।